डाकघर के अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत विजय सिंह जैन को ब्यावर में मंडल अधीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। सोमवार को जैन ने ब्यावर मंडल अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। जैन के सोमवार को ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात जैन ने एक प्रेस मीट के दौरान भारत सरकार की ओर से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निवेश में भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाई जा रही महिला सम्मान बचत पत्र योजना की जानकारी दी। योजना की जानकारी देते हुए जैन ने बताया कि उक्त योजना के तहत योजना की अवधि केवल 2 वर्ष तक के लिए होगी, जिसमें महिलाएं 2 लाख रुपए की राशि जमा करवा सकती है। 2 वर्ष तक की अवधि के लिए जमाकर्ता को 7.5% ब्याज राशि देय होगी। जैन ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू हुई उक्त योजना 31 मार्च 2025 तक रहेगी। जैन के अनुसार अवयस्क बालिकाओं के लिए अभिभावक भी उक्त बचत पत्र खरीद सकते हैं। बचत पत्र में न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर होगी। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद योग्य शेष राशि का 40% निकासी किया जा सकता है। मुख्य डाकघर अधीक्षक ने बताया कि खाता धारक की मृत्यु होने या फिर खाता खोलने के 6 महीने बाद बिना कोई कारण बताए खाता बंद करने पर 5.5% की दर से ब्याज देय होगा। मुख्य डाकघर अधीक्षक जैन ने बताया कि खाता खोलने के इच्छुक केवाईसी दस्तावेजों के साथ मुख्य डाकघर में संपर्क कर सकते हैं। योजना के प्रमोशन के लिए मुख्य डाकघर में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां पर खाते खुलवाने वाली महिलाएं सेल्फी ले सकती है। ब्यावर मंडल के सभी साथियों ने अच्छा कार्य किया है और जो ब्यावर डाक मंडल के अधीक्षक के पद पर मुझे जो भारत सरकार ने कार्यभार दिया है, तो मेरा सभी साथियों से, हमारे जो ब्यावर मंडल के साथियों से, भारत सरकार की जो भी आमजन के लिए जो स्कीम्स है उसको आमजन तक पहुंचाना, उसमें अभी भारत सरकार ने अभी महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2023 प्रारंभ की है, जो इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुई है और 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। उसमें भारत सरकार ने 7.5% वार्षिक ब्याज और तिमाही चक्रवर्ती ब्याज है। तो आप यदि किसी भी बच्ची के नाम से, नारी के नाम से 2 लाख का FDM कराते हैं तो 2 साल बाद 2,32,044 रुपये परिपक्वता राशि भारत सरकार द्वारा पुनः भुगतान की जाएगी। तो ये नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ही शानदार स्कीम है। तो मेरा आमजन से अपील है कि आप भी नज़दीकी डाकघर में पधारें और अपनी बिटिया का, अपनी बेटी का, अपने स्वयं का, महिला का, आप ये जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो 2023 प्रारंभ की गई है उसका आप लाभ लें। इसी के साथ भारत सरकार डाक विभाग में अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2021 से सभी जो बचत योजनाएं हैं इसमें ब्याज दर में काफ़ी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार जो मासिक आय योजना थी उसमें पहले जो अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये की थी वो अब बढ़ाकर भारत सरकार ने 15 लाख कर दी है। इसी प्रकार जो सीनियर सिटीजन है उसमें पूर्व में जो 15 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिए। आज हम सीनियर सिटीजन, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनको 8.2% तिमाही ब्याज हम भुगतान कर रहे हैं। तो हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सभी योजनाएँ डाकघर में उपलब्ध है। तो मैं आमजन से निवेदन करूंगा कि वे नज़दीकी डाकघर में पधारें और उसमें सीनियर सिटीजन की योजना है, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, बच्चों के और आमजन के लिए PPF योजना है जिसमें टैक्स रिबेट है। इसी प्रकार हमारे जो डाक विभाग के 2 बीमा की योजनाएं हैं, शहरी क्षेत्र के लिए हमने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा, जिसमें अन्य बीमा कंपनियों से बोनस की दर ज़्यादा है।